हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही किसानों का धरना लगातार जारी है। पिछले 21 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच आपको बताएं, सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर उषा टावर के सामने हार्ट अटैक से एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान गुरमीत मोहाली का रहने वाला था। वही किसान की मौत की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत भिजवाया गया। सुबह खाना खाया इन्होंने, सब कुछ ठीक था। थोड़ी देर छाती में दर्द हुआ, जो ये धरने में डॉक्टर बैठे हैं उनसे दवाई खुद जाके लेके आया। दवाई लेने के बाद उसके बाद दर्द इनका बंद नहीं हुआ तो हम लोग डॉक्टर को लेके आए जो इनके साथ थे। डॉक्टर ने आके बस 10 मिनट में ही बोल दिया कि हार्ट अटैक हो गया इसको। तो भाई